हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आई हूँ एक नया ट्यूटोरियल लेके आपके सामने, और आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशंस की। और उसमें भी हम बात करने वाले हैं कि कौन सा फाउंडेशन। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ हुडा के फाउंडेशंस की, कि हम हुडा के फाउंडेशन का कौन सा शेड लें जो मोस्टली स्किन पे चला जाए, या हम कितने शेड लें, या हम ऐसे सारे शेड ले लें जो सारे स्किन पे अलग अलग चला जाए। क्योंकि कंपनीज ने इतने सारे शेड इसलिए बनाए हैं क्योंकि हर स्किन का शेड बनाया है, लेकिन कई बार हम लोग मिक्स मैच कर लेते हैं शेड्स को, तो कई बार हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे हम शॉप पे पहुंचते हैं तो हमें लगता है हम कौन सा एक शेड लें जो हर स्किन पे चला जाए, और ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक शेड अगर आप लेते हैं तो वो हर स्किन पे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास डस्की स्किन आ जाती है और आपके पास फेयर शेड है तो आप क्या करेंगे? आपके पास मीडियम आ जाती है और आपके पास शेड फेयर है तो आप क्या करेंगे? हालांकि कई बार होता है कि हम लोग मिक्स मैच कर लेते हैं फाउंडेशन, लेकिन हुडा के फाउंडेशन बहुत हाई कवरेज है, बहुत थिक फाउंडेशन है, और वो ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक बार में ही हाई कवरेज दे देता है। और फाउंडेशंस थोड़े रनी होते हैं, और जो रनी फाउंडेशंस होते हैं वो हमें एक बार में कवरेज नहीं देते हैं, कई बार हमें उसे 1, 2, 3 टाइम्स भी लगाना पड़ जाता है, तब कहीं जाके हमें कवरेज मिलती है। तो हुडा के फाउंडेशन का ये बेनिफिट बहुत अच्छा है कि वो हाई कवरेज है, वो थिक है, लेकिन वो समर के लिए ज्यादा अच्छे हैं, विंटर्स के लिए थोड़े से थिक हैं, लेकिन आप उसमें अगर कोई सीरम मिक्स कर लेते हैं तो वो आपकी विंटर्स के लिए भी तैयार हो जाता है फाउंडेशन। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको कौन से शेड अपनी वैनिटी में रखने पड़ेंगे। हालांकि हुडा बहुत महंगा है, हर कोई सारे शेड्स नहीं ले सकता, कि लगता है कि एक शेड पिक कर लो बाकी मिक्स मैच कर लेंगे, लेकिन आप अगर हुडा के ये 3 शेड रख लेते हैं तो आप उस 3 शेड में भी मिक्स मैच करके आप हर स्किन का शेड बना सकते हैं, अगर आप सिर्फ हुडा के ही प्रोडक्ट से मेकअप करना चाहते हैं तो। अगर आप अदर मिलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो अगर आप हुडा के फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये 3 फाउंडेशन हुडा के ले सकते हैं, लेना ही चाहिए अगर आपको अपनी वैनिटी में हुडा रखना है तो। जो फर्स्ट शेड है चाय, जो है फेयर स्किन के लिए, सेकेंड शेड है बकलावा, जो है मीडियम टू डार्क स्किन के लिए, थर्ड शेड है टॉफी, जो है डार्क स्किन के लिए, और डार्क के लिए आप अदर और हाई डार्क है आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपकी वैनिटी में ये हुडा के 3 शेड होने ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल आज का अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय।